हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ आर डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक, लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको ये समझा दिया कि WTO है क्या, ठीक है, और GATT का ये सक्सेसर है ये हमने क्लियर कर लिया, और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या होती है ये हमने क्लियर कर लिया था, और डेवलपिंग कंट्रीज को इसका क्या फायदा हो सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज को इसका क्या फायदा हो सकता है, ये बातें हमने क्लियर कर ली। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेजरली कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट की हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि अगर कोई भी कंट्री के साथ सही नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करती है, किस तरीके से उसके प्रोसीजर रहते हैं, क्या क्या वो स्टेप्स इनिशिएट करके जो काम है वो करेगी, वो चीज हमें पढ़ना है। तो हमें आज मेन सेटलमेंट प्रोसीजर पढ़ना है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें दिया हुआ है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ कौन सा पेन लें, डार्क डार्क है, चलो ये लेके देखें क्या। हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। सो फर्स्ट है कंसल्टेशन, मेजोरिटी ऑफ डिस्प्यूट्स हैड बीन सेटल्ड ड्यूरिंग कंसल्टेशन राउंड, है ना। देखो ये कंसल्टेशन राउंड क्या होता है, कॉमन वे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इट्स नथिंग बट अ कम्युनिकेशन। पता है बात ना स्टूडेंट्स, यहाँ ये नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है। कोई भी अगर अगर आप ध्यान से कोई भी काम को देखो, कहीं पे भी किसी तरह का डिस्प्यूट है, सो इन माय ओपिनियन एंड बहुत सारे लोगों के ओपिनियन में ऐसा ही होता है कि दैट कम्युनिकेशन इज द की, राइट। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो अगर आप कम्युनिकेट कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उसी स्टेज पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो प्रॉब्लम आगे एग्जेगरेट नहीं होगी, आगे किसी और लेवल पे जाके वो एक्सपैंड नहीं होगी, ये चीज हमें याद रखनी है। सो सबसे मेन थिंग होती है दैट इज कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज द की, कैसे, क्योंकि देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे लाइक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स आते हैं, वो डिस्प्यूट्स आते हैं क्यों, एक बात समझना। लेट्स जस्ट सपोज कि मान लो आप किसी एक कोई पर्सन है, उसका नेचर आपको नहीं पसंद, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो वॉट वी जनरली डू, हम जाएंगे हम किसी और थर्ड पर्सन को बोलेंगे, अरे भाई ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि हम इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, हम किसी थर्ड फोर्थ पर्सन को जाकर के उस पर्सन के बारे में जो भी बोल रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कि वो जो डिस्प्यूट है वो कभी सॉल्व नहीं हो पाता। अगर आपको जिससे प्रॉब्लम है डायरेक्टली आप उसी को जाके बोल दो कि भाई देख देख मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर डायरेक्टली उसी पर्सन को बोल दिया जाएगा तो वो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम अराइज ही इस वजह से हो रही है कि वो पर्सन इसके पास गया, उसके पास गया, इसके पास गया, तो ये पेज है, राइट। तो अगर कम्युनिकेशन टाइमली कर ली जाए तो कम्युनिकेशन इज द की, वो प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व कर देगा। सो द नॉन ज्यूडिशियल नेचर ऑफ कंसल्टेशंस प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर मेंबर नेशंस टू नेगोशिएट एमिकेबली। वो कह रहे, जो एक नॉन ज्यूडिशियल मतलब वो कहता है कि भैया मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं कटवा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम कंसल्टेशन के थ्रू ही अपने काम सॉल्व कर लो, बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने वो तो एंड में तुम काट ही लोगे, तो बेटर है तुम पहले ही इसको अपने लेवल पे आपस में डिस्कशन करके सॉल्व कर लो। Here, 10 days are given for respondent to reply to consultation request of aggrieved party. वो कह रहे हैं कि 10 days दिए जाएंगे किसको, respondent को, कि जो aggrieved party ने तुमसे पूछा है उसके ऊपर तुम reply करो। Further, 30 days are given to enter into consultation soon after the reply. वो कह रहे हैं कि फिर 30 days दिए जाएंगे consultation में आने के बाद जो भी तुमने reply दिया। Failure of this deadline leads to एडजुडिकेशन प्रोसीजर। वो कह रहा है कि अगर इस 30 दिन के अंदर तुमने नहीं किया तो उसके केस में वो जुडिशियल जो हियरिंग है उसके लिए आगे बढ़ेगा। ओवरऑल कंसल्टेशन लास्ट फॉर 60 डेज पोस्ट विच द पैनल इज सेटअप। वो कह रहे हैं कि जो पूरा कंसल्टेशन का टाइम पीरियड है वो 60 दिन तक चलता है, 60 दिन में भी कंसल्टेशन से बात नहीं बनी फिर एक पैनल को सेट किया जाएगा। मैंने आपको बताया था पैनल हर बार क्या होता है, पैनल एक एडहॉक बेसिस पे बनता है, ठीक है, जो बनेगा और उसके बाद वो एक तरीके से आप कह सकते हैं अबॉलिश कर दिया जाएगा, फिर कोई नेक्स्ट अगर डिस्प्यूट आएगा तो उसके लिए एक अलग पैनल बनेगा। बट पार्टीज यूजुअली एक्सटेंड दिस टाइम पीरियड फॉर ग्रेटर कंसल्टेशंस, देयर इज वन एक्सेप्शन इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स विच फॉर विच द टाइम इज 20 डेज। वो कह रहे हैं कि एक एक्सेप्शन है पेरिशेबल गुड्स के केस में। स्टूडेंट्स पेरिशेबल गुड्स आपको पता है कि वो गुड्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब जिनका शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट बहुत कम टाइम पीरियड का होता है उन्हें पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंसल्टेशन के, पहला म्यूचुअल सेटलमेंट बिटवीन द मेंबर्स इज एनकरेज्ड, जो भी मेंबर्स है उनके बीच में म्यूचुअल सेटलमेंट जो है उसको सेटअप करना, हेल्प करना, ठीक है।
कंसल्टेशन, कॉन्फिडेंशियल नेचर इन्वॉल्व डिस्कशन टू मेक पार्टीज रीच सेटिस्फेक्ट्री सोल्यूशन। वो कह के कंसल्टेशन दिया जाता है जिसमें हर तरीके के डिस्कशन किए जाते हैं ताकि पार्टीज कहां पहुंच सके, एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन पे पहुंच सके। आगे लीगल प्रोसीजर क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कंसल्टेशन लॉन्चेस द डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस। तो पहले आप क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं जिसमें एक डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाता है। कंसल्टेशंस कुड बी बिटवीन WTO मेंबर डेलीगेट्स और बिटवीन स्टेट बेस्ड ऑफिशियल्स। वो क्या है, कंसल्टेशंस जो होते हैं वो किसके बीच में होते हैं, WTO मेंबर डेलीगेट्स के बीच में होते हैं और स्टेट के बीच में होते हैं, राइट। एनी आउटसाइड डिस्कशंस नीड टू बी रूटेड थ्रू WTO। वो कह रहे हैं कि देखो WTO के जो मेंबर होंगे और जो स्टेट है उनके बीच में होंगे, अगर कोई भी आउटसाइड डिस्कशन है तो वो WTO के थ्रू होगा, आप वहां पे नहीं कर सकते। Requests need to be sent to all the parties as well as dispute settlement body and the concerned councils, committees concerned with the agreement through a text to secretariat. वो कह रहे कि जितनी भी जो भी request है वो जो भी parties है, agreed party जो है वो भी, और जो accused party है वो भी, उनको भी भेजा जाएगा, DSB को भी भेजा जाएगा, ठीक है, और जो भी councils concerned होंगे उन सबको भेजा जाएगा। Each complaint is assigned a WTTDS. WTTDS is World Trade or DSS dispute settlement number, except in case of complaints relating to agreements on textile and clothing. अब आपने पता ना, जैसे कोई भी normally आप कोई movie वगैरह भी देखो तो उसमें case files होते हैं, तो ऐसे case number होगा। Third parties may also enter the consultations for which they need to provide an application to the consulting members and DSB. Third parties neither a complainant nor a respondent, rather a member with trade interest on similar matter. कंट्री और प्रोडक्ट और एन एग्रीव विद द सिमिलर कंसर्न्स। वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन वो थर्ड पार्टी कौन होनी चाहिए, पहली बात वो कंप्लायंट की तरफ से नहीं होगी, रिस्पॉन्डेंट नहीं होगी, वो क्या हो सकती है, वो जो भी ट्रेड रिलेटेड मैटर है उस मैटर में इंटरेस्ट है इस वजह से हो सकती है, या फिर मतलब उसी तरह का कुछ उनका भी कंसर्न है तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होकर के देख सकती है क्या क्या हियरिंग चल रही है। स्टेज टू में हमने क्या क्या पैनल की बात करी, It takes 45 days for the panel to be constituted and 7 days to file questions after first meeting. वो कह रहे कि 45 days लग जाते हैं जिसमें पैनल को बनाया जाता है और 7 days लगते हैं जिसमें फर्स्ट मीटिंग की जाती है। Further, 4 weeks after first meetings, parties file rebuttals. 2 weeks were given to parties to review panel's descriptive report. 2 to 4 weeks after receiving comments on descriptive report, interim report is issued. देखो स्टूडेंट, interim budget, interim, आपने interim word अपने, क्योंकि आप commerce stream में हैं तो आपने बहुत बार interim सुना होगा, interim dividend भी होता है, मतलब generally के जैसे interim का मतलब होता है एक तरीके से temporary, तो sort of है ना, एक temporary एक report जो है वो issue कर दी जाती है। Final report is to be submitted within 2 weeks of the interim report to the parties of the dispute. Okay, जो final report होती है submit की जाती है कब, 2 week के अंदर, ठीक है, ऑफ द इंटरिम रिपोर्ट टू द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है। फर्दर मोर फाइनल रिपोर्ट नीड्स टू बी इशूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लायेशन। वो कह के जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, कब से लेकर के जो भी आपकी कंप्लायंस की डेट है उस टाइम से लेकर के एस्टैब्लिशमेंट। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पैनल। After failure of consultations, the panel establishment begins with application to the chairman of DSB bracket में 11 days in advance to make it part of DSB agenda. वो कह रहे कि अगर consultation failure हो गया तो panel establishment किएगा जिसमें आप क्या करेंगे, DSB के chairman को पहले ही भेजेंगे ताकि वो उसके accordingly अपने time वगैरह negotiate कर लें। It is circulated among all WTO members. It must state clearly whether consultations were held and the legal basis of compliance. वो कह रहे कि ये देखो सारे के सारे WTO member को दिए जाते हैं जिसमें बताया जाता है भाई consultations हुई थी और जो legal compliance हो सकते थे वो भी follow किए गए थे। The request for establishment of panel must be devised carefully to avoid objections from respondents. वो कह रहे कि जो establishment का request है वो panel में दिया जाता है ताकि कोई भी objections जो हैं उसके बारे में सोचा जा सके। 2 meetings are held. In these meetings, the establishment of panel can be blocked by an individual member or by negative consensus. Okay, a negative consensus is a situation whereby the prevention of establishment of a panel is possible. That is, all members are taken into confidence to oppose the establishment. Okay, including the complainant. It is upon the complainant's wish that the existence of a panel depends, which in fact further enforces establishment as the complainant cannot be included in the consents to raise objection. वो कह रहे हैं इसमें होता क्या है कि देखो 2 meeting बनाई गई,
इन दीज मीटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैनल कैन बी ब्लॉक्ड बाय एनी इंडिविजुअल मेंबर और बाय नेगेटिव कंसेंसस। वो कह रहे कि देखो दो मीटिंग में क्या हुआ कि पैनल को बनाने से रोका जाए। अ नेगेटिव कंसेंसस इज अ सिचुएशन वेयर बाय द प्रिवेंशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैनल इज पॉसिबल। कि मतलब कोशिश की जाती है कि भाई पैनल एस्टैब्लिश ना किया जाए। ऑल मेंबर्स आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस टू अपोज एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग द कंप्लायनेंट। वो कह रहे कि सारे मेंबर्स से बात की जाती है कि भाई कोशिश करें कि पैनल को ना बनाना पड़े, राइट, और जिसमें कंप्लायनेंट भी होता है। ओके आगे इट इज अपॉन द कंप्लायंस विच दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ पैनल डिपेंड्स विच इन फैक्ट फर्दर इन्फोर्सेज इट्स एस्टैब्लिशमेंट एज इट कंप्लायंट कैन नॉट इंक्लूड द कंसेंस टू रेज ऑब्जेक्शन। वो कह रहे कंसेंसस से पहले ही पूछा जाता है कि भाई देख लो करना है नहीं करना है, करना है तो बाद में इसको चेंज नहीं किया जा सकता। Workings. The process starts either with submissions related to dissent over panel or with formal discussions on complaints. Complaint is the first to file followed by respondent and third party subsequently. वो कह रहे कि जो process है वो start होता है किससे, submission से, ठीक है, dissent over panel or with formal discussions on complaints. वो कह रहे कि जो भी complaints है उनके ऊपर discussion से start किया जाएगा, ठीक है। Complainant is the first to file followed by respondent and the party subsequently. The submissions usually extensive and confidential in nature are made with the counter claims. जो submissions किए जाते हैं वो उसके बारे में क्या कहा गया कि वो पूरी तरीके से students क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से confidential रहेंगे। After this takes place a first recorded oral meeting which is followed by questions and clarifications by all on observations raised by panel and parties. क्या जब ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद एक पहले oral meeting की जाती है जिसको follow किया जाता है जिसमें questions, clarifications सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी। अब panel report क्या है? An internal discussion is held to assess the facts presented and their relevance in terms of agreements which is held confidential. This is followed by report which is divided into descriptive portion and findings along with summary of third parties on the issue. Okay, सबसे पहले क्या होता है, एक इंटरनल डिस्कशन किया गया, इज हेल्ड टू असेस द फैक्ट्स, मतलब देखने के लिए कि जो फैक्ट प्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है, वो कितने ट्रू हैं कितने नहीं हैं, ठीक है, जो कि कॉन्फिडेंशियल होगा ऑफ कोर्स। दिस इज फॉलोड बाई रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होती है विच इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रिप्टिव पोर्शन एंड फाइंडिंग्स। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, जो डिटेल्स बताती है, ठीक है, और उसके अंदर फाइंडिंग्स का मतलब है कि हमने पूरा का पूरा रिपोर्ट को पढ़ा और उस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिली। सो द कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग्स रीजन आउट कंप्लायंस क्लेम्स इन लाइट ऑफ द एग्रीमेंट। जो कह रहे हैं कि कंक्लूजन से या फाइंडिंग से वो क्या होता है, वो कंप्लायंस के क्लेम्स को बताता है। नाउ वेयर द एम इज टू ऑल्टर द लॉ। अब जो है एम क्या हुआ, लॉ को ऑल्टर करना। व्हेनेवर द पैनल फाइंड्स द वायलेशन और नॉन कंफॉर्मिटी विद डब्ल्यूटीओ लॉ इट प्रोवाइड्स रिकमेंडेशंस टू बी फॉलोड टू सेट फॉर द इक्विलिब्रियम इन प्लेस व्हिच आर पास्ड ऑन द मेंबर्स रूटेड थ्रू डीएसबी। वो कह रहे कि देखो इसमें क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ ने लॉ पास कर दिया, ठीक है, अब उसके अंदर क्या होता है रिकमेंडेशंस वगैरह दी जाती है, जिसके डीएसबी ने जो रूल्स है रेगुलेशंस है अगर तुमने उनको वायलेट किया तो उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन दी जाएंगे। अब कैसे कर सकते हैं, इंटरिम रिपोर्ट कंटेनिंग रिवाइज डिस्क्रिप्टिव पोर्शन फाइंडिंग कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन इज इशूड। इट इज फॉलोड बाई अ मीटिंग टू डिस्कस द पॉइंट्स रेज्ड ऑन द इंटरिम रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि इंटरिम रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, एक डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है, फाइंडिंग्स होती है और क्या होते हैं कंक्लूजन होते हैं एंड रिकमेंडेशन इज इशूड। इसमें रिकमेंडेशन भी दिए जाते हैं। इट इज फॉलोड बाय अ मीटिंग टू डिस्कस द पॉइंट्स रेज्ड ऑन द इंटरिम रिपोर्ट। वो कह रहा है कि इसको कैसे, इसमें क्या होता है कि इसके बाद डिस्कशन के पॉइंट्स जो है वो जो है पूरी तरीके से देखे जाते हैं। अब प्रपोज्ड टाइम टेबल क्या है, रिसीट्स ऑफ फर्स्ट रिटन सबमिशन ऑफ द पार्टीज। ओके पहला क्या है, कंप्लेनिंग पार्टी 3 to 4 weeks, पार्टी कंप्लेंट अगेंस्ट 2 to 3 weeks, डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंटिव मीटिंग विद द पार्टीज थर्ड पार्टी 1 to 2 weeks, that's it, receipt of written rebuttals of the parties 2 to 3 weeks, date time and place of second substantive meeting with the parties 1 to 2 weeks, issuance of descriptive part of the report to the parties 2 to 4 weeks, receipt of comments by the parties on the descriptive part of the report again 2 weeks, issuance of the interim report including the findings and conclusions to the parties 2 to 4 weeks, deadline for party to request review of part 1 week, period of review by panel including possible additional meeting with parties 2 weeks. तो देखो ये सारी चीजें हमें क्या दे रखे हैं, एक टाइम टेबल दे रखे हैं पैनल के वर्क करने का, जो आप याद कर लेंगे मेनली क्योंकि कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 3 है विच इज एपेलेट रिव्यू।
आफ्टर द सर्कुलेशन द डीएसबी मस्ट एक्सेप्ट द रिपोर्ट विद इन 20 to 60 days. वो क्या है, सर्कुलेशन हो गया तो डीएसबी को उसको 20 से 60 दिन में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. अनलेस एनी पार्टी रेज एन अपील फॉर डीएसबी इटसेल्फ डिसाइड नॉट टू अडॉप्ट बाय कंसेंसस. एन अपील कैन बी फाइल विद इन 20 days सिंस सर्कुलेशन. अपीलेंट मस्ट सबमिट रिपोर्ट विद इन 10 days ऑफ इट्स नोटिस फॉर अपील. वो कह रहे कि जो भी एपेलेंट जो है, जो भी रिपोर्ट है वो उसको 10 दिन के अंदर, एपेलेंट हमने पहले ही पढ़ा था कि एपेलेंट सेटअप किया जाता है, तो वो एपेलेंट जो है वो उसको टाइम देके 10 दिन के अंदर जो भी अपने नोटिस पीरियड उसमें आपको अपील करना है. विद इन 15 days ऑफ नोटिस ऑफ अपील द लेफ्ट आउट पार्टी में ज्वाइन एंड विद इन 25 days दीज अपेली फाइल द सबमिशन अगेंस्ट एलिगेशन ऑफ एपेलेंट्स. वो जो है कि भाई मेरे को जो जो प्रॉब्लम्स हुई थी मैं उसके लिए फाइल अपील डाल रहा हूँ. थर्ड पार्टी अपील्स आर पॉसिबल विद इन 25 days विद इन नोटिस. तो क्या है, थर्ड पार्टी की जो बातें वो भी सुनी जा सकती है लेकिन नोटिस के बाद ही. 30 to 45 days इज द टाइम टेकन टू होल्ड एन ओरल मीटिंग बाय द डिवीजन आफ्टर द अबव नोटिस. वो कह रहे हैं कि 30 to 40 जो है, 45 days का जो टाइम है वो लगता है डिवीजन के अंदर, राइट. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एपेलेट बॉडी हैज इट्स ओन वर्किंग अपार्ट फ्रॉम सम कॉमन वंस विद पैनल एंड अपीलेट पैनल रिपोर्ट कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाई डीएसबी. वो कह रहे कि जो अपीलेट पैनल रिपोर्ट होता है वो डीएसबी के अंदर अडॉप्ट नहीं किया जाएगा. ओनली पार्टीज टू द डिस्प्यूट एक्सक्लूडिंग थर्ड पार्टीज कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द पैनल रिपोर्ट. वो कह रहे कि जो ओनली पार्टीज है डिस्प्यूट के अंदर एक्सक्लूडिंग द थर्ड पार्टीज कैन फाइल. द जनरल टर्म फॉर पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन द अपील एज अपीलेंट और अपेले इज पार्टिसिपेंट्स. ओनली पैनल स्टेट थर्ड पार्टीज कैन पार्टिसिपेट इन अपील. ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अपील. द कंसर्न हेयर इज ओनली लीगल एस्पेक्ट ऑफ द रिपोर्ट एंड नॉट द फैक्चुअल कंटेंट. मतलब फैक्चुअल जो है वो छोड़ो, मेन जो है मेन है कि लीगल क्या क्या होना चाहिए वो देखना. बट द फैक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पैनल फॉल्स अंडर लीगल कंप्लायंस ऑफ द एग्रीमेंट एंड गिविंग जस्टिफिकेशन टू इट्स मीनिंग ऑन विच एन अपील कैन बी रेज्ड. वो कह रहे हैं कि लेकिन फैक्चुअल एग्जामिनेशन जो है वो तो पॉसिबल है ही करना, वो तो करना ही पड़ेगा, और उसी चीज में इस चीज को इंश्योर करना, इस चीज को देखना कि मतलब जस्टिफिकेशन जो है वो रेज की जा सकती है या नहीं की जा सकती. प्रोसीजर ऑफ अपील. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ रिटन एप्लीकेशन टू डीएसबी और अ नोटिस टू अपीलेट बॉडी सेक्रेटेरिएट. दिस एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ अपील द एलिगेशंस एंड द लीगल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द पैनल व्हिच इन टोटल बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट. कॉम्पोजिशन, थ्री कॉम्पोजिशन क्या क्या है इसके अंदर, 3 members. द टीम इज रेफर टू एज डिवीजन. जो टीम है उसको डिवीजन कहा जाएगा. आउट ऑफ 7 members फंक्शन ऑन ईच अपील एंड वर्क इन रोटेशन. वो कह रहे हैं कि क्या होगा कि 7 members होंगे जो काम कर रहे होंगे और रोटेशन में काम होगा. द डिवीजन मेंबर्स रोटेट ऑन रैंडम बेसिस रादर देन एज नेशन ऑफ ओरिजिन. वो कह रहे हैं कि जो डिवीजन मेंबर्स होंगे वो रैंडम बेसिस पे रोटेट किए जाएंगे देन ओरिजिन के हिसाब से. हेंस द एपेलेट बॉडी मेंबर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम हियरिंग केसेस ऑफ द मेंबर नेशंस ऑफ देयर ओरिजिन. द डिवीजन ऑल्सो इलेक्ट्स अमंगस्ट themselves as member as presiding officer for coordination and chairing the meetings. So ye aapka competition ise padhe ek bari ek aur point bas. Chalo ab hum baat karte hain review and report ki. So the procedure for appeal leaves less scope for preparation. Hence, the submission of complete documents of appeal is done well in advance. As soon as the interim report of panel is received, this submission is also circulated among parties. The oral meetings are held in similar fashion to the substantive meetings of panel. After the meeting, the division members discuss the issues with the non-division member. डिवीजन कौन थे जो पैनल में रहेंगे वो डिवीजन कहलाते हैं, जो टीम मेंबर है वो डिवीजन कहलाएंगे, उसके अलावा जो है नॉन डिवीजन है. This is in light with the working procedures of appellant body to ensure consistency and coherence with jurisprudiction. It also calls for a consensus on decisions to be taken wherever possible or work out a majority voting. So majorly हमारे पास क्या है इसके अंदर कि जहां भी possible हो सकता है वहां पे voting वगैरह की जाएगी. Report drafting and finalization excludes involvement of parties. तो report drafting वगैरह की जाएगी. तो ये students normally हमारे पास क्या है कि किस तरीके से review and report जो है वो हमारे पास दिया जाएगा, right? चलो आगे बढ़ते हैं stage 4 पे. Stage 4 में क्या है कि जो भी आपने decide किया होगा वो implement किया जाएगा. और फॉलोअप लेने का मतलब क्या है कि ये देखा जाएगा कि जो चीज आपको बताई गई थी जैसी क्या वो उसी मैनर में हुई है. It takes 30 days to inform DSB about the decision on the report. वो कह रहे कि ऑलमोस्ट क्या लगते हैं
30 दिन लगते हैं डीएसबी के लिए, जिसमें वो रिपोर्ट को देखेगा। इट टेक्स 30 डेज ऑफ पैनल टिल द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट, इट शुड नॉट टेक मोर देन 15 मंथ्स और मैक्सिमम 18 मंथ्स वेयर द एक्सटेंशन हैज बीन ग्रांटेड एट ईदर स्टेज। वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम आपको ये देखना होता है कि या तो 15 महीने के अंदर होना चाहिए, तो 18 महीने, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 डेज बिफोर ईच जीएसबी मीटिंग अ रिटन रिपोर्ट ऑन द एक्सटेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड। वो कह रहे हैं कि 10 डेज का आपको एक टाइम पीरियड जो है वो देखना पड़ेगा, इसके अंदर अंदर ये काम होना चाहिए। 20 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम पीरियड द कंप्लायंट मे आस्क डीएसबी टू इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इफ द पार्टीज डोंट डिसाइड ऑन कॉम्पनसेशन। वो कह रहे हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या है कि 20 डेज का एक्सपायरी रीजनेबल टाइम पीरियड है, जिसमें आपको देखना है कि अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंदर जो आपको अमाउंट मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन नहीं मिला, तो आप उसके अंदर दोबारा से फाइल कर सकते हैं। After the adoption, DSB issues a recommendation and ruling to the losing party which has violated to comply. वो कह रहे हैं कि adoption के बाद DSB क्या करेगा? एक recommendation और ruling देगा किसको? Losing party का, जिसने violent मतलब जिसने compliances को follow नहीं किया था। In case of failure of mutual adjustment, the foremost course of action should be the withdrawal of contradictory measures. वो कह रहे हैं कि अगर मान लो mutual adjustment किसी केस में failure रहा, तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी मेजर्स लिए गए थे सबसे पहले उनको हटाओ ताकि हम सेटलमेंट की बात करें। इमीडिएट कंप्लायंस बाय लूजिंग पार्टीज सेल्डम सीन एज पार्टीज कमांड और रीजनेबल टाइम पीरियड टू मॉडिफाई डोमेस्टिक लॉस। वो कह रहे कि अगर मान लो लूजिंग पार्टी उसने कुछ किसी से हार गई, तो जनरली क्या देखते हैं कि वो अपने डोमेस्टिक लॉस को चेंज कर देते हैं। दिस टाइम पीरियड कैन बी डिफाइंड बाय अप्रूवल ऑफ डीएसबी और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज विद इन 45 डेज ऑफ रिपोर्ट अडॉप्शन और बाय एन आर्बिट्रेटर। Any member can raise questions of non-implementation at any point. मतलब अगर तुमने implementation नहीं किया कि तुमने अपने laws को change नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो उस case में तुम्हें उस case में answerable होना पड़ सकता है। After reasonable time period has surpassed, the total compliance has not been achieved. The losing party needs to negotiate with the complaining party over compensation requirements. So आपका reasonable time period जब चला गया तो टोटल कंप्लायंस हैज नॉट बीन अचीव, अगर उस टाइम पे अगर आपका कंप्लायंस अचीव नहीं हुआ है, तो जो लूजिंग पार्टी है उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा किसके साथ? कंप्लेनिंग पार्टी के साथ कि भाई कॉम्पनसेशन क्या रहेगा। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन बाय डीएसबी कम्स इनटू प्ले इफ डीएसबी डज नॉट अचीव कंसेंसस विद इन 30 डेज ऑफ रीजनेबल टाइम पीरियड। वो कह रहे हैं ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन मतलब अगर तो आपने रिपोर्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है वो ऑटोमेटिकली उस चीज को मान लेंगे। डिसीजंस ऑफ आर्बिट्रेटर्स are taken as final and are immediately informed to DSP. वो कह रहे हैं कि जो decisions हैं वो arbitrators के लिए जाएंगे, ठीक है, और inform किया जाएगा DSP को।